यूपी के बलिया में बवाल, दुर्जनपुर गांव में एसडीएम और इंस्पेक्टर के सामने फायरिंग, एक ग्रामीण की मौत। सरकारी दुकान के आवंटन को लेकर चल रही थी बैठक, फायरिंग के बाद गांव वालों में मची भगदड़। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला स्थानीय विधायक का करीबी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हैदराबाद में अचानक ढही इमारत, सड़क से गुजर रही महिला बाल बाल बची। सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। बारिश और बाढ़ की दहशत के बीच हैदराबाद से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला के सड़क से गुजरने के दौरान एक दो मंजिला इमारत अचानक ढहकर सड़क की ओर गिरती दिख रही है। महिला इमारत की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस आपदा में कुल मिलाकर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इलाहाबाद कुंभ के खर्चे पर उदित राज ने उठाए सवाल, तो फंसी कांग्रेस। बीजेपी ने प्रियंका और राहुल को घेरा, हिंदू विरोधी राजनीति का लगाया आरोप। असम में सरकारी मदरसे को बंद करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि असम सरकार ने सरकारी फंड से मदरसा न चलाने का फैसला किया है। उसी तरह यूपी सरकार को कुंभ मेले के आयोजन पर 4200 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने चाहिए। उदित राज के ट्वीट पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता और यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान से स्पष्ट है, अगर कांग्रेस कुछ दिन और सरकार में रह जाती तो यह कुंभ भी बंद कर देते, बरसाना की होली भी बंद कर देते, अयोध्या का दीप उत्सव भी बंद कर देते और काशी मथुरा भी बंद कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में सुनाया एक ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परिवार की साझा संपत्ति और रिहायशी घर में भी घरेलू हिंसा की शिकार पत्नी को हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत दिए अपने फैसले में साफ कहा है कि पीड़ित पत्नी को अपने ससुराल की पैतृक और साझा संपत्ति यानी घर में रहने का कानूनी अधिकार होगा। पति की अर्जित की हुई संपत्ति यानी अलग से बनाए हुए घर पर तो अधिकार होगा ही। कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त का वीडियो आया सामने। हेयर स्टाइलिश आलिम हकीम की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में अभिनेता संजय दत्त ने कहा, जल्द इस कैंसर से बाहर निकलूंगा, मैं ये दाढ़ी KGF चैप्टर 2 के लिए बढ़ा रहा हूँ, नवंबर में शुरू कर रहे हैं, कल शमशेरा के लिए डबिंग करनी है, बहुत मजा आने वाला है। संजय दत्त का लंग कैंसर का इलाज चल रहा है।